कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अड़ी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल ने देश का कोई अपमान नहीं किया तो माफी का सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। माफी का सवाल नहीं, और हम पूछेंगे उनको, आपने इतने कंट्रीज में जाके बात की, वो भी यहाँ के लोगों के कल्चर को और इंसानियत को अपमान किया, और उन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी पे बात की, और हर जगह जो लोग जाते हैं डिबेट में अपने विचार रखते हैं उससे ताल्लुक इससे नहीं है।